Students, in this video we'll plot a graph for the instantaneous rate of reaction. एक तो हम यहाँ instantaneous rate of reaction के लिए graph बनाएंगे और दूसरा क्योंकि हमें पता है कि हम formula का use करके या with the help of numerical instantaneous rate of reaction को calculate नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए, इसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए ग्राफिकल मेथड का ही यूज़ करना पड़ता है. इट मे बी ए क्वेश्चन विच मेथड इज़ द अप्रोप्रिएट मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड. सो हाउ, देखो अगर ये नाउ सी ग्राफ की पोजिशन ये है, इट मीन्स ये ग्राफ किस किस के बीच में होगा, एक तो टाइम और दूसरा ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, ये रिएक्टेंट. ठीक, रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ हो गया. ये तो एवरेज के लिए है, बट इसी ग्राफ की हेल्प से ही हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. वो कैसे, जिस टाइम पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीरो, फिर ये 5 मिनट्स हो गए, यहाँ 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. अब हमें पता करना है बीच में, यहाँ पर मान लो आपके पास 22 मिनट्स और कुछ सेकंड हैं, बिल्कुल आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस टाइम पर पता करना है, आपने बिल्कुल उस कॉरस्पॉन्ड लाइन, उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन को टच करना है, और जो ये लाइन टच कर रही है इससे आपने एक, इस लाइन को टच करता हुआ एक टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उसके बाद इसी टेंजेंट पर आपने क्या ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल. और बस अब आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी. ऑल दो हमने बात ये की थी कि इंस्टेंटेनियस में कोई भी टाइम इंटरवल नहीं होगा, बट हम ग्राफ की हेल्प से वो एक टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे. तो ये आपके पास यहाँ से लेकर के ये एक टाइम इंटरवल मिलेगा आपको, और ये जो मिलेगा आपको ये मिल गई आपको कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन. अगर आप इस टाइम पर, जहाँ पर आप, जिस टाइम पर आपको वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को टच करो, दैट विल टच विद द रेट ऑफ रिएक्शन स्लोप, और उस स्लोप पर फिर आपने उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और इस तरीके से आपको चेंज इन टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन मिलेगा. इस वैल्यू को, कंसंट्रेशन को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी. ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. टुमोरो विल डिस्कस विद सम टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन.